गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. कितना प्यारा मौसम है आज. आई डोंट नो पंजाब का कैसा मौसम है, लेकिन कराची का मौसम तो आज उधम है. और इतनी खूबसूरत, ऐसा लगता है फुहार पड़ रही है. थोड़ी गाड़ी में पड़ रही थी, मगर फुहार पड़ती रहे तो कराची का मौसम ज़रा सही रहता है. जब बहुत तेज़ बारिश हो जाती है तो गाड़ियाँ फंसने लगती हैं. वैसे हर तरफ मौसम बहुत अच्छा है. सही गाना मेरी टीम ने चूज़ किया, क्योंकि आज कल हर तरफ शादी ही शादी हो रही है, खुशियाँ, फेस्टिविटी. एक तरह से बड़ा ये दिसंबर का महीना और जून जुलाई का महीना एक्चुअली अपने फैमिली के नाम कर देना चाहिए. क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी, दिसंबर की छुट्टियाँ आती थी और वो ख़त्म हो जाती थी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करके. क्योंकि ज़ाहिर है बहुत अरसे से दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियाँ हुआ करती थी, तो मैं इंतज़ार करती थी कि आए अब छुट्टियां ख़त्म हो गई, अब जून जुलाई कब आएगा, तो फिर उसमें हम अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे. सिर्फ इमीडिएट फैमिली के साथ नहीं, नानी के घर रहने जाएंगे, दादी के घर रहने जाएंगे, कज़न्स के साथ खेलेंगे, बर्फ़ पानी, खो खो, पिट्ठू बारी, पता नहीं क्या क्या, कितने सारे सपने सजाए हुए होते थे. अब यही होता है कि इन छुट्टियों में दिसंबर हो या जून जुलाई हो, शादियां फिक्स की जाती हैं. क्योंकि जो बाहर से रहने वाले जो मेहमान हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो आते हैं, उनके बच्चों की भी छुट्टी होती है, तो फिर आपको पूरे ख़ानदान से मिलने का एक प्रॉपर मौका मिल जाता है. क्योंकि आप मिलने मिलाने एक दफ़ा तो जाएंगे, लेकिन जब शादी ब्याह का घर होता है, वहाँ रह रहे होते हैं, वहाँ रत जगे हो रहे होते हैं, वहाँ एक बहुत ही मज़े का माहौल होता है. देखिए, हमने आपको बहुत बड़े बड़े सेट्स दिखाए हैं शादी ब्याह के आइडियाज़ देने के लिए, रस्मों के आइडियाज़ देने के लिए, आपकी फेस्टिविटी को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए और उसको ज़रा बेहतर बनाने के लिए, बहुत एंटरटेन करने के लिए अपने मेहमानों को. हमने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिए, बड़े बड़े शादी वीक्स के इतने बड़े बड़े सेट, और सैम्स के साथ मिलकर, बहुत सारे और इवेंट प्लानर्स के साथ मिलकर हमने आपकी सुबह को खुशगवार बनाया है. लेकिन फिर मैंने सोचा यार, बड़े बड़े जो सेट्स हैं और ग्रैंड शादियां तो लोग करते हैं, लेकिन वो लोग भी हैं जो घर में ये चाहते हैं कि हमारी बजट में रहते हुए हमारे बच्ची की शादी हो जाए, फेस्टिविटी हो जाए, जो भी इस तरह के इवेंट्स हैं. अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने मेहंदी ग्रैंड करनी है, वो चाहेंगे माइयो थोड़ा सा छोटा हो जाए ताकि उनका बजट, बहुत सारे बापों की गाड़ियाँ बिक जाती हैं, बहुत सारे बापों के प्लॉट्स बिक जाते हैं अपने बच्चों की शादियाँ करते हुए. आजकल तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों की शादियों पे खर्चे बराबर के होते हैं. तो इसलिए आज का प्रोग्राम एक बड़ा मुनफरद प्रोग्राम है, और वो ये कि अगर आपको अपनी जेब में रहते हुए, अगर आपको अपने घर पर ही इवेंट प्लान करना है, और आप फ़ोन करेंगे उन ग्रैंड वेडिंग प्लानर्स को जिनका हमने आपको जिनके सेट्स दिखाए, वो कहेंगे नहीं नहीं सॉरी, हमारे पास टाइम नहीं, हम छोटा सा इवेंट तो नहीं करते ना. मगर आज के जो इवेंट प्लानर्स हैं वो छोटे से इवेंट भी करते हैं, बड़े भी इवेंट करते हैं. अगर आप उनको फ़ोन करेंगे तो वो आपको मना नहीं करेंगे, वो आपके बजट में रहते हुए, आपको खुश करते हुए, अपने आइडियाज़ के थ्रू आपकी वेडिंग को महंगा दिखाएंगे, चाहे वो महंगी हो या ना हो. आपको ट्रस्ट करना है उनकी क्रिएटिविटी पे, और उनकी क्रिएटिविटी का एक मुंह बोलता सबूत आज हम आपको अपने शो से देंगे. बहुत जल्दी 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 आपको डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स दिखाएंगे, उसके अंदर मौजूद चीज़ों से आपको भरपूर एंटरटेन करेंगे. तो आज का शो इन्फॉर्मेटिव भी है, लेकिन ऐसा है कि आंखों को भला लगेगा. सुबह सुबह स्क्रीन पे सजा सवरा सेट, सजे सवरे मॉडल्स, सजे सवरे बहुत मज़े मज़े की रस्में, या वो प्रॉप्स जिनकी मदद से आपकी आपका इवेंट खूबसूरत बन जाता है. और ऑब्वियसली दिल की खुशी तो अलग ही होती है ना. आजकल मुझे बहुत खुशी है कि आजकल खुद जो ब्राइड्स हैं, जो बनने वाली हैं, यानी जिनकी शादी होने वाली है, उनको बड़ी अवेयरनेस होती है, और वो अपनी सारी चीज़ें सेलेक्ट करके इंटरनेट से और अपने पेरेंट्स को देती हैं, हमें तो ये चाहिए, अब आप करवा दें. अब पेरेंट्स थोड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी के एस्थेटिक्स इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं होते ना. अम्मा अब्बा के हो सकता है कि हमारे अच्छे हो गए हों, उनके अपने ज़माने के होंगे, वो अपने ज़माने में खोए हुए हैं. तो इसीलिए आपको आजकल इवेंट प्लानर को हायर करना पड़ता है. सारी फटीक वो लेता है, सारी टेंशन वो उठाता है. क्योंकि मुझे याद है मेरे अम्मा अब्बा ने खुद सब कुछ किया था. अम्मी एक बुंदे में सारी शादी में घूमती रही, अब्बू पसीना पसीना, पूरी वीडियो में, पूरी तस्वीरों में अब्बू पसीने से शराबोर थे. तो मैंने कहा यार पापा आप मज़दूर लग रहे हैं, मेरे अब्बा नहीं लग रहे, ये क्या है. तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ कोई एक शख्स ऐसा होना चाहिए जो कहता है
आप अपनी जिम्मेदारी मुझे दें, आप मेहमानों को देखें, आप मेहमानों से मिलें, वरना मेहमान ये इम्प्रेशन लेके जाएंगे बड़ा मगरूर हो गए, अच्छी जगह बेटी की शादी हो गई है, बड़ा गरूर आ गया है, बेटा अच्छी दुल्हन ले आया है। तो इस तरह की बातें बहुत होती हैं, छोटी छोटी झगड़े लड़ाइयाँ, लेकिन आज हम कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं करें, आज हम खुशी की बात करें, और वो खुशी आपको हमारे स्क्रीन से नज़र आएगी। कोई गड़बड़ हुई है किसी की शादी में? अगर यहाँ बैठी भी मुझे तो यंग लड़कियाँ बड़ी नज़र आ रही हैं, किसी की शादी नहीं हुई है क्या? कोई शादीशुदा है यहाँ? हाथ उठाए ज़रा। एक बेचारी शादीशुदा, दो शादीशुदा बेचारियां, और कोई बेचारियां हैं? बाकी सब लोग सिमरन है जो अपनी जिंदगी जी रही है। लड़कियों लड़कियों खबरदार, जो अम्मी की बात सुनी, बेटा शादी के बाद करना, नहीं अभी नहीं बेटा शादी के बाद, खबरदार जो अम्मी की इस बात पे एतबार किया, किस किस की अम्मी ये बात बोलती है, नहीं नहीं बेटा अभी नहीं करो, शादी के बाद, साड़ी शादी के बाद पहन। अरे साड़ी का क्या है भाई, शादी के बाद क्या हो जाएगा? किस किस की अम्मी कहती हैं? हाथ नहीं उठाए गए, आपकी तो शादी हो गई ना बेचारी। हाँ आप दोनों की अम्मी बोलती है? हाँ और बताओ माइक जरा दो, क्या बोलती हैं कि शादी के बाद करना? भाई माइक दे दो ना, हाथ में रख के बैठी हुई, घर लेके जाओगी ब्लू कपड़ों वाली, माइक दे दो उनको। हाँ ये लो, जल्दी 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 फास्ट प्लीज, जागती रहो जी। यही कहती हूँ इसको, बच्ची को मेरी कहना, अभी नहीं करना शादी के बाद, क्या साड़ी क्या, पहनना, क्या करना, साड़ी नहीं पहनना, अच्छा और कहीं अकेले नहीं जाना, मैं साथ आऊंगी। हाँ डार्क लिपस्टिक नहीं लगाना, शादी के बाद लगा लेना, शादी के बाद लगा तो, है ना। हाँ ये मेरी बच्ची को मैं बोलती रहती। सुने जितनी आजादी अपने माँ बाप के घर में होती है, उतनी आजादी ससुराल में नहीं होती। अब तो उल्टा कहना चाहिए, बेटा जो ख्वाहिश पूरी करनी कर लो, कल ख्वाहिश पूरी हो या ना हो। तो मैं ही नहीं कहती, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, सब बच्चियाँ खुशहाल रहें अपने घरानों में, क्योंकि इन दी एंड क्या है फैक्ट, जिंदगी में शादी होनी है, पढ़ो लिखो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पॉलिटिशियन बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन सब ने जिंदगी बेटा एक जैसी गुजारनी होती है, वही किचन होता है, वही हांडी होती है। हाँ कभी कभी गोल रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन खैर वो तो तंदूर से मिल जाती है, मगर ऐसा भी होता है कि अगर आपको खाना नहीं बनाना तो आपके सर पे पड़ती है, पर बनाना पड़ता है। तो क्यों हम अपनी कोई वीकनेस किसी के हाथ में दें, हम अपने आप को प्रॉपर तैयार रखें। मैं तो यही कहती हूँ, तैयार होना चाहिए हर जंग के लिए, हर वॉर के लिए। तो ज़िंदगी का हर लम्हा हर फेस्टिविटी के बाद एक वॉर में ही तब्दील होता है, यानी कि एक जंग लड़ रहे होते हैं, हम अपने फूहड़पने से जंग लड़ते हैं, फिर हम अपने कभी कभार हम अपने झूठ से जंग लड़ते हैं कि अब हमें सच बोलने की आदत होनी चाहिए, कभी कभार हम अपने अपने पेशेंस से हमें जंग लड़नी पड़ती है कि हाँ हमें अपने एक मतलब कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बहुत मुँह फट होती हैं, बहुत ब्लंट होती हैं, उस ब्लंटनेस से हमें जंग लड़नी पड़ती है। कुछ लड़कियां थोड़ी सी अक्खड़ होती हैं, बात कम करती हैं, उस खामोशी से हमें जंग लड़नी पड़ती है, क्योंकि ये छोटी छोटी जंगें हमें ज़िंदगी में हर वक्त लड़नी पड़ती हैं। कुछ लड़कियां दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, और अम्मी को हर वक्त दिखाती रहती थी सर में दर्द है, कमर में दर्द, मगर वो ये सारी चीज़ें ससुराल में नहीं कर सकती, तो हमें अपने नखरों से जंग लड़नी पड़ती है। ये छोटी छोटी जंगें हम सारी ज़िंदगी लड़ते हैं और फिर एक भरपूर मजबूत औरत बन जाते हैं, फिर यही चीज़ें हम अपने बच्चों में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि सीरियसली मुझे लगता है ये गलत बात है, सिन्फ़े नाजुक, सिन्फ़े नाजुक नहीं होना चाहिए। औरत जितनी मजबूत और स्ट्रॉन्ग है और कोई जेंडर हो ही नहीं सकता, ये तो मेरा दावा है। हाँ एक ब्रेक के बाद बहुत सारी फेस्टिविटी होगी हमारे शो पे, बड़ा मुश्किल शो है हमारी टीम के लिए, लेकिन इंशाल्लाह आज भी यही वादा है, सुबह सुबह आपको एंटरटेन करेंगे सच्चे दिल से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखें बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, मेरे जमाने में जब शादी होने वाली थी मेरी तो कोई ऐसा रिवाज नहीं था कि ब्राइडल शावर दोस्तें मिलकर करें, आजकल हर किसी को देखो अपनी जेब को मद्देनज़र रखते हुए वो शादी से पहले एक ब्राइडल शावर अरेंज करते हैं, कोई बहन करती है, कोई काजन करती है, कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो करती है, पूरा सेटअप करके और दुल्हन को सरप्राइज़ दिया जाता है, बल्कि दुल्हन को ख़ुद भी बहुत शौक होता है कि उसका
ब्राइडल शावर होना बहुत जरूरी है। ये जो खूबसूरत और प्यारा सेटअप आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूंगी, जो भी आज आपको इवेंट प्लानर्स नजर आएंगे वो सब अंडर सीबो काम करते हैं। सीबो एक ऐसा इदारा है, ऐसी वेबसाइट कह लें आप, अंडर वन रूफ आपको बहुत सारे इवेंट प्लानर्स मिलेंगे। बहुत सारी खवातीन जो घर में बैठी हुई थी और इतनी टैलेंटेड थी, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जहां से वो ये आवाज लगा के कह सके हम बहुत क्रिएटिव हैं, आजमा के तो देखो। तो ये जो इस वक्त क्रिएटिव खवातीन मेरे इर्द गिर्द खड़ी हैं, इनकी मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगी, फिर इनसे मिलवाऊंगी। जो ये ब्राइडल शावर पूरा इवेंट प्लान किया है, ये नजमो सहर ने किया है। अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज। कैसी हैं आप? तालियां। कैसी हैं? ठीक है। कितने अरसे से कर रही हैं काम? माशाल्लाह, मुझे स्टार्ट किए हुए तो 2-3 महीने ही हुए हैं अभी, लेटेस्ट माशाल्लाह। और सीखा कहाँ से आपने, कैसे इतना दिमाग है आपके पास? वो मैं करती रहती थी फैमिली में भी, फैमिली फ्रेंड्स में, खुद ही घर के इवेंट्स। हाँ, तो फिर सबने कहा कि क्यों नहीं ऐसा। माशाल्लाह आपने उधर लगाया हुआ जो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आएगी कैसे। हाँ, ये हाथ में ही पकड़ा देती हूँ आपको। ओके, ये ले पकड़ ले हाथ। अच्छा, हाँ तो बस सबने इनकरेज किया कि प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, यहाँ देखा तो यहाँ तो माशाल्लाह इतना कुछ हो रहा था, मैंने कहा चलें। बंदा कर करके भी इम्प्रूव करता जाता है, बड़े आइडियाज इधर उधर से भी बंदा पिक कर लेता है, और जब आपके सेटिंग्स खुद अच्छे होते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो आपको ये तो नहीं होता किसी ने कहा हमें घर के अंदर ब्राइडल शावर करना है, हमारा कमरा छोटा सा है, उसको देखते हुए मद्देनजर बहुत सारे लोग कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, और आजकल मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग ज्यादा होते हैं जो मतलब ये चीजें छोटी छोटी जो है ना इवेंट्स करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं और हम बड़े और छोटे सारे इवेंट्स कर रहे होते हैं। सब इवेंट्स करते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी, जरा प्लीज मेरा कैमरा उस तरफ ले जाएं जहाँ केक है। ये आइटम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बेकरी आइटम्स हैं, ये जो ब्राइडल शावर है उस पर 4 चांद लगाते हैं। और लुबना अब्बास है जो बेकर है हमारी यहाँ पे, मैं करीब से जाके देखना चाहूंगी जरा। उफ, इतने हसीन जो इन्होंने डेकोर किया हुआ है केक के ऊपर, जरा आप देखिए ब्राइड टू बी लिखा हुआ है, और इतना प्यारा केक है। जरा बताए ना लुबना, आपने केक और अपनी सारी चीज़ों के बारे में। मेरी ब्रांड है बेकर जीज, और सीबो के फोरम से आज हम आपके पास सब चीज़ें लेकर आए हैं। हाँ। तो जब हमें क्लाइंट अपना बताता है कि मेरी ये कलर थीम है, हाँ, और ये मेरा बजट है, तो फिर हम चीज़ों को बनाते हैं। ये अजॉर्टेड चॉकलेट्स हैं और इसके अंदर सरप्राइज है। इसके अंदर सरप्राइज क्या है? यानी कभी इसमें ब्राउनी हो सकता है, इसमें ट्रफल हो सकता है, इसमें कैरमल हो सकता है। एवरी बाइट हैज अ सरप्राइज इनसाइड। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। तो फिर हम अकॉर्डिंग टू थीम उसको, उस कलर कॉम्बिनेशन को, आपके बजट को देखते हुए हर चीज को प्लान करते हैं, और कोशिश करते हैं हर चीज हमारी हैंडमेड हो, एडिबल हो। और वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा ये तो देखें, जरा रिंग्स तो देखें, कपकेक्स के ऊपर रिंग्स भी बना के लगाएं, कितनी मेहनत है, छोटी छोटी चीज़ें। ये अब केक का मैं देख रही हूँ, ये नज़र आ रहा है केक का, ये जो ये उफ, हर चीज़ में इतनी मेहनत और सजावट है। और क्योंकि फोटोग्राफी भी आजकल इतनी अच्छी होती है, तो ये सब चीज़ें कैद हो जाती हैं कैमरे में, फिर आप अपने बच्चों को आगे चल के दिखा सकते हैं कि देखो कितनी धूमधाम थी। और ये क्रिएटिविटी ज़ाहिर है, अब अम्मा अब्बा शादी अरेंज कर रहे होते हैं अगर, तो वो उनके दिमाग में कहाँ से आएगी, तो वो तो जाहिर है फिर किसी को हायर ही करना पड़ेगा। दीज आर कुकीज। ये कुकी है देखें, शी सेड यस, कितने क्यूट छोटे छोटे टचेस हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ब्राइड टू बी का कुकी है। तो कुकीज, कप केक्स, केक, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें 4 चांद लगाती हैं आपकी फेस्टिविटी में। आपको अगर ऑर्डर देना हो लुबना, कितने दिन पहले आपको ऑर्डर? अब इस सीज़न में तो एटलीस्ट 1 हफ्ते पहले, शायद 15 दिन पहले भी, क्योंकि माशाल्लाह बहुत टफ चल रहा होता है। नॉर्मली 3-4 डेज के अंदर हो जाता है, लेकिन इस सीज़न में एटलीस्ट 1 वीक 15 डेज। हाँ, अभी ये वाला हैवी सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह। और सीबो पे आने से हमें और बूम मिलता है, तो और माशाल्लाह लोगों की तरफ रिकग्निशन मिलती है, तो फिर बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। तो जी, वो लोग जिनकी बाकी सब डेकोर शादी के सब तय हो चुके हैं और ब्राइडल शावर नहीं तय हुआ है, तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे इवेंट प्लानर से, हमारे बेकर से। और अब मैं आपको लेके चल रही हूँ केटर की तरफ। हमारे साथ हैं किरण यूसुफ, खाना
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. कैसी हैं आप? ठीक ठाक. खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, सजावट तो ज़रूरी है, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों से थक जाते हैं मस्तियाँ कर करके, तो आपको चाहिए होता है खाना. और फिर इस वक्त जो है वो बिरयानी और इस टाइप का खाना नहीं अच्छा लगता, वो लड़कियों को स्नैक्स, इसी तरह के स्नैक्स अच्छे लगते हैं. किरण क्यूजीन मेरा पेज का नाम है. अच्छा. और सीबो के प्लेटफॉर्म से हम आए हैं. थैंक यू सो मच समिया का और सीबो का जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी. और होम बेस्ड बिजनेस है मेरा, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. ये देखिए कितने खूबसूरत ग्रिल्ड बारबेक्यू सैंडविचेस हैं, जो कि मतलब छोटी सी चीज़ है कि ट्रायंगल, वो जो स्क्वायर शेप है वो नहीं है, एक थोड़ी मेहनत की हुई है. सैंडविच को गोल रखा हुआ है ताकि ज़रा प्यारा लग सके. फिर पास्ता है मेरे पास यहाँ पे. ये क्या चीज़ है? ये फजीता रैप्स हैं जी. अच्छा, फजीता रैप्स. ये so क्या होता है? स्नैक्स हैं, इसके अंदर चिकन, चीज़, क्रीम चीज़ इन सब. ओके. फिर पेरी बाइट्स, लड़कियों को हरी मिर्चें खाने का बहुत शौक होता है. ये देखें पेरी बाइट्स हैं. ओ वाओ, ये पेरी बाइट्स यहाँ पे रखे हुए हैं. और ये क्या है? चिकन स्टिक्स. चिकन स्टिक्स. तो ये मुझे आपको लगता है कि टेबल के लिए सही है स्नैक्स ना? ये काफ़ी है ब्राइडल शावर के ओकेजन के हिसाब से. स्नैक्स इनफ है. इनफ है जी. ठीक है. और आपको जैसे ब्राइडल शावर के अलावा भी अगर आपको ऑर्डर प्लेस किया जाए तो फ्रोजन फूड्स बनाती हूँ. और 3-4 days मुझे लगते हैं. बच्चों के लिए, लंच के लिए भी कॉन्टैक्ट किया जाए. चीज़ मेरा पूरा मेन्यू है. अच्छा अच्छा. साथ साथ ब्राइडल शावर में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, केटर क्राफ्टर, वो है फरखंदा समी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कि जब आपके पास आपकी दोस्तें आ रही हैं ब्राइडल शावर में, तो कोई गुडी बैग होगा, कोई चीज़ होगी जो आप उनको देंगे ताकि वो दोस्तें हमेशा आपको याद रख सकें. फिर ये सारी चीज़ें ऐसी, आप बताएं ना जरा क्या क्या चीज़ है. मेरा नाम फरखंदा समी जी. फरखंदा. और मेरे ब्रांड का नाम है क्राफ्ट्स विला. और मैं यहाँ सीबो के प्लेटफॉर्म से आई हूँ. मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आने की. और जो है आप अच्छा, ये चॉकलेट पे भी कस्टमाइज चॉकलेट्स हैं. अच्छा, ये चॉकलेट बनाते हैं या कोई भी चॉकलेट लेके उस पे कवर चढ़ा देते हैं? जो भी कस्टमर की डिमांड होती है उस अकॉर्डिंगली हम लोग फिर उसको मतलब चॉकलेट करते हैं. भी ब्राइड का नाम आ गया, ब्राइड का नाम आ गया, चॉकलेट्स पे आ गया, किसी भी चीज पे उसको कस्टमाइज. इधर ही आ जाए ना ताकि मुझे बताती रहे हम चीजें आपकी फोकस कर सके. ये वो है जिसपे पिक्चर खिंचवाते हैं, फ्रेम टाइप फ्रेम है, हम लोग पिक्चर खिंचवाते हैं. ये तियारा हम लोग बनाते हैं. और ये इसको ले लेके तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं. ये सारी छोटी छोटी चीजें देखें. ये हम लोग जब घर वाले खुद कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी चीजों का ख्याल नहीं रखते. ये गिव अवे जब ब्राइड जा रही होती हैं फंक्शन के बाद, तो ऐसा टोकन ऑफ मेमोरी हम लोग जो भी आप बिल्कुल मैंने इनके पीछे छुपे लग रहा है, मैंने कौन बोल रही है ना. ये देखिए ये गिव अवे है. बिल्कुल सारे जो थीम है वो पर्पल रखी हुई है. तो ये हम लोग अभी तो जैसे हमें प्रोवाइड किया गया था थीम के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर बर्थडे पार्टीज के लिए और भी जो ओकेजन्स होते हैं उसके लिए हम लोग फिर सारी प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स बजट. अच्छा, ये देखिए जैसे इसमें नेल कलर है रखा हुआ, मोती भर कर नेल कलर दे रहे हैं. एक टोकन ऑफ लव जाते हुए. ये क्या है? ये 3D पेपर फ्लावर्स है. अच्छा, ये बैकड्रॉप सजाने वगैरह के लिए काम आएगा. ये छोटी छोटी सारी चीजें कस्टमाइजेबल होती हैं, जो भी आप चाहें तो गुडी बैग थोड़े बड़े भी बना सकते हैं. ये जो है गिफ्ट बास्केट होती है, जो ब्राइड की फ्रेंड्स आती हैं वो गिफ्ट ब्राइड के लिए लेकर आती हैं. हाँ बिल्कुल, ये गिफ्ट देना भी तो जरूरी है, बहुत तमीज से गिफ्ट दिया जाए ना. लेटर्स किसी भी नेम पे इनिशियल इसका कस्टमाइज हो सकता है, जो भी बजट होता है उस हिसाब से. और यहाँ टियारास भी है, यहाँ पे ब्राइड टू बी का ये भी है. तो आप काफी मतलब लाइक अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इनके, अगर आपने इस तरह की बड़ी यूनिक सी ब्राइडल शावर अरेंज करना है. देखें सारी चीजें यहाँ एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हैं. और आपके पास चारों जो क्रिएटिव खवातीन है मैंने उनसे आपको मिलवा दिया है. अच्छा, अब सोचता ये बंदा कि चलो सेट सजा हुआ है पूरा आपका, जहाँ भी जो अभी आपकी लोकेशन है वहाँ पे आपने बड़ा अच्छा सेटअप कर लिया, मगर फिर ब्राइडल शावर में कपड़े भी थोड़े डिफरेंट होते हैं. मैंने देखा है कुछ लड़कियों ने जीन्स और टी शर्ट पहनी होती है, लेकिन जो इम्पैक्ट एक्चुअली आता है ना वो ब्राइडल शावर में बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसेस हैं डेफोडिल्स के. मैं दिखाना चाहूँगी आपको एक एक करके उनके ड्रेसेस, और फिर उनके ओनर से भी मुलाकात कराऊँगी ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ से मिलते हैं और कैसे आप इनको ख़रीद सकते हैं. आइए जी, मॉडल्स को भेजिए, एक एक करके हसीन खूबसूरत जोड़े आपसे इंट्रोड्यूस कराएं.
खड़ी होने वाली हूँ क्योंकि इतनी खूबसूरत सेटअप पे मेरा बैठने का बिल्कुल कोई मूड नहीं है और इतनी प्यारी यहाँ मेरे साथ सारी मॉडल्स बहुत अच्छी तैयार हुई हुई हैं। मैं चाहूँगी कि अली कुरैशी साहब को यहाँ भेज दें ताकि मैं उनसे पूछ सकूँ कि भाई कहाँ से अवेलेबल है, हम उनके ड्रेसेस किधर से खरीद सकते हैं। और माशाल्लाह आपके पास काफी वैरायटी है बच्चों से लेकर बड़ों तक। जैसे अगर आपको पहले ही कोई बता दे कि हमें इस थीम को हम इस कलर को फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास होते हैं, मैक टू ऑर्डर भी होते हैं हमारे, 10 से 15 डेज के अंदर हम लोग बना देते हैं। जितने भी आपको मैक्सीज का ऑर्डर दे, जैसे कोई कहे हमें 10 चाहिए 15 चाहिए जी, जितना भी हो ऑर्डर्स वो हम लोग कर देते हैं 10 से 15 दिन के अंदर सारे कलर वगैरह ये सब चीजें बिल्कुल कर देते हैं। अच्छा, और आपकी कोई और ब्रांच तो नहीं है? बस यही मेन तारिक रोड के ऊपर ही है जिसके अंदर हमारा ये जो ब्राइडल शावर के अलावा हमारा आजकल निकाह और वलीमे के लिए भी ब्राइडल के लिए गाउन स्पेशल चीज रखी है। अच्छा, गाउन वगैरह रखे हुए इसके अलावा भी, जिस तरह इस तरह के कपड़ों के अलावा जो ब्राइडल है वो भी आपके पास? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैक टू ऑर्डर के अंदर है, किड्स का भी है, ब्राइडल्स भी है, टोटल ब्राइडल्स के लिए हमारे पास कंप्लीट कलेक्शन होता है। अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है जैसे माँ और बेटी को ट्विनिंग करनी है जी बिल्कुल, बच्ची और माँ के एक जैसे कपड़े भी आपके पास अवेलेबल है? आई थिंक आपको याद हो कि स्टार्टिंग ही हम लोगों ने लिया है, जी जी, मम्मा का और बेबी का दोनों का स्टार्टिंग एक जैसा ही हम लोगों का होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के बाद यहाँ बोचाल आएगा और ये सेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ब्राइडल शावर के बाद क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है ब्राइडल शावर के बाद? माइयों। तो आइए चलते हैं आपको माइयों के इवेंट पर लेकर एक साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खूबसूरत सेटअप माइयों का आप जो देख रहे हैं, मैं सारी क्रिएटिव खवातीन जो मेरे इर्द गिर्द हैं इन सब से आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी जिनकी मेहनत की वजह से ये स्क्रीन इतना प्यारा लग रहा है और आपका इवेंट भी बहुत हसीन लग सकता है। आइए वेलकम करते हैं इवेंट प्लानर आयशा मेहताब को। छोटी सी, कैसी हो यार? ये छोटी सी लड़की है, ये देखे जरा आयशा। हाँ, पता नहीं तुम्हें बचपन में शादी हो गई हो आयशा की, छोटी सी तो लग रही हो। कैसे माशाल्लाह अच्छा ये काम संभाल रही हो और कब से संभाल रही हो? मैं लास्ट 6 मंथ से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रही हूँ। अच्छा, अभी ज्यादा अरसा भी नहीं, लेकिन बहुत एस्थेटिकली बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि लाइक हमारा सेट छोटा है ऑब्वियसली, उसमें रहते हुए अच्छा काम करवाया है। ये सब मैं क्रेडिट देना चाहूंगी समिया स्पेशली सीबो को कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें गाइड किया। उसके बाद ही हमने सोचा कैसे कि मैं आऊँ इस प्लेटफॉर्म पे और कैसे मैं मतलब ये वाला काम करूँ। मेरा शौक तो पहले से ही था, ठीक है, मतलब घर के छोटे छोटे इवेंट्स मैं खुद अरेंज करती रहती थी। देखिए अपने घर से ही एक्चुअली शुरू होता है, घर में छोटे छोटे जैसे किसी की माई हो गई, बर्थडे हो गई, ये हमने अरेंज कर लिया घर पे। तो उसी से फिर आइडियाज आते आते अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट एज अ प्रोफेशन। अच्छा, तो देखो इसमें तो बहुत खप होती है, इसमें बहुत टेंशन होती है, फिर अगर आपको शौक हो ना तो मजा आता है, टेंशन नहीं होती, तुम एंजॉय करती हो इस चीज को? मैं बिल्कुल एंजॉय। तो हम सबको इंट्रोड्यूस कराते चलते, हमारे साथ मुख्तलिफ लोग हैं। अगर हम बेकर की तरफ पहले चलते हैं तो राबिया फैसल हमारे साथ है और वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। अब तो माइयों में भी मिठाई की जगह केक्स और पेस्ट्रीज और कप केक्स ने ले लिए, क्योंकि हाँ मिठाई वो रवायती चीज़ है, ट्रेडिशन है, वो तो नहीं जाता, लेकिन उसके साथ एडिशन हो गई केक्स। लेकिन देखिए आप ये केक देखें राबिया, बहुत प्यारा केक। थैंक यू सो मच। मगर आजकल की दुल्हनें भी मॉडर्न हो गई है ना, तो वो डिमांड करती है नहीं मिठाई नहीं खाएंगे, हम केक खाएंगे, हम केक खाएंगे। और ज्यादातर चॉकलेट केक पसंद कर रही होती है। वैसे सब आपने ढोल बनाया हुआ है केक के ऊपर, अगर हम देखें ये माई के डांडिया है, ये डांडिया है और अंदर लड्डू रखे हुए हैं जी। जरा केक का अगर स्क्रीन पे पूरा दिखा रहे होंगे तो मुझे जरा बताने में आसानी होगी। नजर आ रहा है आपको इस तरफ से ये जो ये कप, ये कप ये केक थोड़ा घुमाएंगे उधर कैमरे की तरफ? जी 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 जी। ये वाला कब दिखाया, ये कहाँ से दिखाओगी? ये
आगे घुमाए और उस कैमरे की तरफ जाए, बस आए लड्डू नजर, ये रहे लड्डू, ये रहे लड्डू भाई, और ये घूम भी रहा है केक जी, वाह भाई, वो जो आपने ट्रे है वो ऐसी टेबल ऐसी है। अच्छा, और कपकेक्स हैं जिसके ऊपर आप देख सकते हैं मायो के सारे आइटम हैं, वो ये सब चीजें इडेबल है। हाँ, और ये कंगन भी इडेबल है, शूज है, ये कंगन तो उठाएं जरा, टूट तो नहीं जाएंगे, को उठाएंगे तो नहीं नहीं, अल्लाह ये देखिए, ये इसको आप खा भी सकते हैं, गॉड जस्ट लुक एट दिस, इतना प्यार है, कितनी मेहनत है, और ये छोटी छोटी चीजें आप कहते हैं ना क्या इस पे क्या टाइम वेस्ट करें, इस पे क्या पैसा वेस्ट करें, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये बाद में जब आप फारिग होके देखते हैं अपनी एल्बम खोलते हैं और आपको नजर आता है तो आंसू आ जाते हैं आंख में कि इतनी बारीकी थी मेरी माइयों पर या इतनी मेहनत की गई थी, ये सब यादें होती हैं और ये सब कैमरे में सेव हो रही होती हैं। तो राबिया, आपको कितने दिन पहले ऑर्डर प्लेस करें? मेरे पेज का नाम तो रैप्स केक बुटीक के नाम से है, रैप्स केक बुटीक। अच्छा, मगर सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है जो मुझे यहाँ आने की मिली वो सीबो की वजह से है। मैं 3 साल से काम कर रही थी, एज अ होम बेस्ड बेकर काम कर रही थी, मगर आज मुझे अपने आप को बताने का मौका मिला है सीबो की वजह से, सामिया की वजह से। मैं तो हमेशा ख्वातीन को सपोर्ट करती हूँ जो कुछ करना चाहती हैं, जो बनना चाहती हैं, ये प्लेटफॉर्म है ही उनके लिए, और सीबो ने इतना अच्छा काम किया है कि एक ऐसा ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें सारी खवातीन, अब क्योंकि ग्रुप को ओन भी औरत ही करती है तो कंफर्टेबल होते हैं ना जी, और सारी लेडीज ही हैं उस ग्रुप में, हाँ, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, और फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम जी नहीं है, ये बड़ा अच्छा रहता है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए ये होता है, हाँ, मेरा कि आप तकरीबन 5 से 6 दिन पहले ऑर्डर दें, क्योंकि आजकल माशाल्लाह सीजन है तो ऑर्डर्स बहुत होते हैं, और जब से हम इस ग्रुप में आए तो घर से ही करती हूँ सब कुछ, सब कुछ ये सब कुछ हैंडमेड है, सब कुछ मैंने बनाया है, हाँ, और जो है सब चीजें इडेबल है। कितना टाइम लगता है केक वगैरह ये सब इस तरह का बनाने में? ये इस तरह का केक बनाने के लिए मुझे तकरीबन 4 से 5 दिन की नीड होती है, मैं अर्जेंट बेसिस पे भी बना देती हूँ, मगर ये है कि उसके चार्जेस मैं थोड़े से ज्यादा लेती हूँ क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज्यादा, पूरा दिन आप कहीं जा नहीं सकते ना, आप लगे हुए हैं, हाँ, घर में माशाल्लाह जो है बच्चे भी है मेरे और बच्चों को भी देखना होता है, फिर घर ये केक भी बनाना होता है, घर के काम होते हैं, तो फिर बस ये है थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, बाकी 4 दिन पहले 5 दिन पहले आप हमें ऑर्डर देंगे, ऑर्डर देंगे हो जाएगा। जबरदस्त राबिया, जबरदस्त जी। और अब मैं चल रही हूँ केटर की तरफ, केटर हमारे साथ हैं अमरीन फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी अमरीन? ठीक ठाक है भाई, खाना बहुत अहमियत रखता है। अक्सर देखा है माइयों का क्या होगा, उसमें कबाब पराठा या फिर वो हलवा पूरी आलू तरकारी, यहाँ हमें कुछ डिफरेंट मेन्यू नजर आ रहा है, और वो है कढ़ाई, सीख कबाब, पराठा और रबड़ी खीर। तो आप देखिए जरा मायो को, और अगर आप घर में ही मायो इस तरह का सेटअप करके कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा लगेगा, और ये जरा फ्लेवर घरेलू भी आएगा ना। हाँ, ये आजकल है लोगों में कि लोग होम की तरफ जा रहे हैं, होम कुकिंग की तरफ, साफ सुथरी तरीके से भी हाइजीनिक होता है, और एक औरत कुक कर रही है तो वो इन चीजों का ख्याल रखेगी कि मैं चीजें अच्छी इस्तेमाल करूँ, हाइजीनिक हो। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है ना, बहुत ज्यादा घरों में ऑर्डर्स हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप घर से बैठ के काम करिए। कितने लोगों को ऑर्डर आप मैक्सिमम ले सकते हैं? मेरे 70 होते हैं, 70 तक हो जाते हैं, और मिनिमम मिनिमम 10-12 लोग भी होते हैं, वो उसका भी कर लेते जी, उसका सबसे अच्छी बात ये, क्योंकि आप 10-12 लोग आप फोन करें केटर को, 10-12 लोग नहीं भाई, हम नहीं कर सकते, इसका एडवांटेज होता है, हाँ, क्योंकि केटर्स नहीं करते हाँ। तो ये तो 10-12 लोगों का और थोड़े लोगों का, 50 का भी नहीं कर रहे होते केटर्स, बिल्कुल नहीं भाई, हम नहीं कर सकते, हमारा तो प्रॉब्लम है, हमें घर का फ्लेवर, घर के मसाले, ये सब चीजें मिल जाएंगी। बहुत जबरदस्त अमरीन फातिमा हमारे साथ थी, ओके जी, और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूंगी कि मुझे इस फील्ड में आए हुए सिर्फ 4 मंथ्स हुए, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब नया माल है भाई लेकिन इत्तेफाकिया बस सीबो का प्लेटफॉर्म मिला। घर में अच्छे खाने पकाती होंगी ना? हाँ, बाय प्रोफेशन आई वाज टीचर, और बस ये था कि मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया सामिया का, हाँ, तो उससे काफी प्रमोशन है और काफी अल्हम्दुलिल्लाह फायदा, खानदान में पूरी मशहूर होंगी खाने, हो गया है, लेकिन बनाती है, लेकिन आउटसाइडर्स ने सीबो की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सामिया की वजह से, शी इज अ वेरी काइंड पर्सन, और आपको बहुत प्रमोट करती है, बिल्कुल, तो ये एडवांटेज हमें हासिल हुआ है, जबरदस्त, थैंक यू सो मच सामिया, क्या बात है सामिया। ओके जी, अब मैं आ रही हूँ क्राफ्टर की तरफ, और क्राफ्टर जो हमारी हैं वो हैं शाहीन जमान। मुझे सुन नहीं पा रही होंगी शायद, मैं अगर बहुत
जोर लगा के बोलूंगी तो सुन पाएंगी, क्योंकि ये मैं बल्कि एक्शन से बोलूंगी. आपको इस फील्ड में आए हुए कितने साल हो गए? अस्सलामुअलैकुम, मुझे 16 साल हो चुके. 16 साल से माशाल्लाह इस फील्ड में है. और आप इनका काम देखें, कितना बारीक डिटेल्ड काम है, इतनी नफासत है इनके काम में. मैं इनको मतलब लाइक कितनी अच्छी बात है कि इनको एक प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ, और ये इनके अंदर एक हुनर है जो ये दिखा पा रही हैं आज. ये देखिएगा ज़रा कंगन कितने खूबसूरत बनाया, कितनी मेहनत से बनाया है. वेरी नाइस. अच्छा छोटा सा ना, ठीक है. और ये मैं, हाँ ये वो नहीं हाथ में पहनने वाला, ये देखिए हाथ में पहने. हाँ, और ये गिव अवेज हैं. आपने माइयों में गिव अवेज देने हो तो कितने छोटे से प्यारा सा आइडिया है. और ये बड़ा इकोनॉमिकल होगा मुझे लगता है, इसके अंदर आप कुछ स्वीट्स या कुछ ऐसी चीज़ भर सकते हैं. और ये क्या चीज़ है? नकाब पेन. अच्छा पेन. अगर निकाह करना है, निकाह अक्सर होता है कि माइयों में निकाह हो जाता है तो ज़रा शादी में इतना वो नहीं होता ना, ज़रा भाग दौड़ बहुत होती है. तो ये देखिए, ये मैं कैसे, हाँ ऐसे ऐसे दिखाओ. ये देखा, ये वो है जिस पे आप ये पेन रखे हुए हैं. निकाह है अगर तो निकाह का पेपर इसके ऊपर रखिए. चमकी चमकी तो लग जाएगी, लेकिन वो चमकी आपकी ज़िंदगी में बाहर लाएगी इंशाल्लाह. तो ये देखिए, ये भी मतलब एक छोटी छोटी चीज़ होती है ना, ये बड़ी इम्प्रेशन पड़ता है. मैं आगे आगे और देखाऊँ, ये छतरी है. एक तो अक्सर होता है माइयों में दुल्हन को लेकर आ रहे होते हैं, कभी कभार छतरी के अंदर भी लेकर आ सकते हैं. ये आइडिया है, देखें एक पूरी प्रॉपर छतरी डिज़ाइन की गई. और फ्रेम हाँ, ये देखें भाई, फोटो फ्रेम है इसके अंदर. आप जितना भी मुंह बाहर निकाल रहे हैं आज, जो भी, ये तो मस्ट है आजकल तो ये मस्ट है ना भाई, ये तो ज़रूरी है. सेल्फी लेने के बजाय ये ज़रूरी है. अच्छा, और ये है माइयों का दुपट्टा लेकर आते हैं, जब अक्सर ऐसा होता है कोई खाला, कोई फूफी, कोई चाची माइयों का दुपट्टा खुद तैयार करती है और जो गोटा लगा के फिर किसी लेकर आती कि मैं पहनाऊँगी, या माँ लेकर आती है. तो ये माइयों का दुपट्टा भी तैयार है इस पर, ये आपने तैयार किए हाँ. ये देखिए माइयों का दुपट्टा भी ये तैयार करती हैं. अब अगर फ़र्ज़ करें बाहर से फैमिली आई शादी यहाँ पे बच्ची की करने के लिए, तो उनके पास कहाँ टाइम होगा, ये सारे काम ये कर सकती हैं. ज़बरदस्त. गिफ्ट देना है, कोई गिफ्ट देना है तो ये फुल, ये सब आप ये अपने हाथ से बनाती हैं? ओ वाह, देखिए ज़बरदस्त. ठीक है, हटाओ. हाँ ओके. और एक और चीज़ रह गई, ये मैं दिखाना चाहती थी. माइयों उपटन के प्याले वगैरह रखते हैं. अच्छा, ये भी, ये हमारे शूट कर लिया आप लोग कैमरामैन ने. माइयों उपटन के सेटअप एक कुछ भी रख सकते हैं. थोड़ा डिफरेंट है, जैसे मेहंदी में हम अलग तरीके का होता है लेकर आते हैं, और माइयों में इस तरह फूलों के साथ कर सकते हैं. चूड़ियाँ वगैरह आप बांटते हैं अपने दोस्तों को, सहेलियों को, वो इस तरह दे सकते हैं बजाय वो रबर बैंड और रिबन से बनी हुई होती है. ये वाली चीज़ ज़्यादा सूटेबल लग रही है, देखिए रिश्तेदारों को. ज्वेलरी भी बनाती हैं, ज्वेलरी भी इन्होंने बनाई हुई है. ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट माइयों की ज्वेलरी है. ये भी आप बहुत अच्छी लग रही है. बाकी झुमके ये भी, ये वो है गाना नहीं, आप जो हम बांधते थे हाथों से, ये गाना आप ये इसमें भी आ सकता है चूड़ी में. बहुत अच्छा. हाँ अच्छा ठीक है. और एक मिनट, मेरे कार्ड ही गिर गए. अच्छा ये क्या है, इसके ऊपर दूध पिलाई करनी है, कोई भी चीज़ करनी है, ट्रे है छोटी सी, या पान रखना है इसके ऊपर, कुछ ऐसी चीज़ है ना, ये मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं अभी. और जी, और वहाँ पे भी कुछ है, ये आपके जी. अच्छा आपका नाम मुझे नहीं लिख के, रजिया मुसानी. रजिया, अच्छा ये स्वीट्स हैं जी, जी. अच्छा मिठाई बनाती हैं आप? ओके, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये तो प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है कि पता ही नहीं चला कि क्या है. मैं पीछे चली जाऊँ क्या? या अच्छा एक मिनट, कैमरामैन जरा दिखा दें. हाँ ओके जी,
तो ये रजिया है मेरे साथ, रजिया मस्तानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। रजिया जो मिठाई बनाती हैं आप, घर में मिठाई बनाती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपना सामिया का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे जो ये प्लेटफॉर्म दिया सीबो में, मेरा आने के बाद माशाल्लाह मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो आप कितने अर्से से मिठाई बना रही थी? मैंने अभी काम तो माशाल्लाह लास्ट अक्टूबर में शुरू किया है। अच्छा, अच्छा। और अभी मेरा 1.5 ईयर होने वाला है। और इसके बाद मैं असल में देसी कुजीन की तरफ थी। अच्छा, अच्छा। देसी कुजीन से मैं फ्रोजन की तरफ, अभी मैंने माशाल्लाह बहुत सारा काम किया, उसके बाद अब मिठाइयों पे सीजन वाइज चलता है मेरा। अच्छा। जैसे रमजान तो शादियों का है तो जी, तो अब जैसे रमजान था तो रमजान में मैंने फ्रोजन, मतलब फ्रोजन किया माशाल्लाह। इसके बाद अब ये सीजन है तो इसमें मैं स्पेशली मेमन से बिलोंग करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेमन फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मेरी जो मिठाइयाँ ट्रेडिशनल मिठाइयाँ सारी हम खोल के देख सकते हैं। जी जरूर। अच्छा, टैग्स भी लगे हुए हैं। ये है जैसे स्पेशल नट्स हलवा फ्रॉम ज़ियाज़ किचन। फ्रॉम ज़ियाज़। अच्छा, आपके किचन का नाम ज़ियाज़ किचन है। ओके। और मेरा पेज लिंक मैं दिखा सकूँ यहाँ पे? जी हाँ। ये हलवा है, ये है, दोबारा बताऊँ, नट्स हलवा, इसमें नट्स हैं और घर का बना हुआ है, इसमें फ्लेवर घर वाला आएगा। बेसन के लड्डू है, ये बेसन के लड्डू है, होम मेड बेसन के लड्डू। भाई घर घर में अगर आप इवेंट करें तो घर की चीजें होनी चाहिए, मुझे लगता है केटर वगैरह को नहीं। ये इसमें क्या है? ये सुवीनियर बनाया मैंने। अच्छा, इसमें भी मिठाइयाँ दे सकते हैं आप डाल के। और ये अंडे का मैसू है, स्पेशली घर का अंडे का मैसू। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये और ये क्या है? ये मोतीचूर के लड्डू। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू कितना जबरदस्त चीज है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई हमने सबने घर में बैठ के बनाने हैं तो आप इसका मिक्सचर ला के दे सकती हैं इस तरह कि घर में सब एक एक्टिविटी हो सकती है कि पूरा खानदान बैठ के मोतीचूर के लड्डू बना रहा है हाथ धो के। जी, और मैं 25-20%, 10%, 15%, 30%, 35% जिस तरीके का ऑर्डर होता है उस तरीके से प्रोवाइड करती हूँ। वेरी नाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहता है। जी, यहाँ आगा नूर के कपड़े दिखाने से पहले यहाँ पे ज्वेलरी भी, मुनीबा की ज्वेलरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये वाले कंगन अक्सर आपने माइयों में देखे हैं और जब माइयों की रस्म शुरू होती है पहनाते पहनाते तो खाली एक तार रह जाती है, एक तार रह जाती है और ये सब फूल झड़ जाते हैं। इन्होंने ये बिल्कुल आर्टिफिशियल चीज़ों से ये रियल इम्पैक्ट दिया है। ये कंगन ऐसे एंड तक रहेंगे, बल्कि और भी आप किसी इवेंट पे सालों साल चलते हैं इवेंट पे पहन के जा सकते हैं। मुनीबा, बहुत अच्छा काम हुआ है। जस्ट ये देखिए कितना नेचुरल है, ये कितना, बस सिर्फ खुशबू नहीं आएगी परफ्यूम लगा ले, मगर ये झड़ेंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे और मूवी में इतने अच्छे लगेंगे। आप अक्सर दुल्हन के लिए लेके जाते हैं ना फूलों का जेवर, नहीं नहीं रियल फूलों का पहनना है, वो अजीब उसमें फूल झड़ जाते हैं, चार गुलाब की पत्तियां रह जाती हैं। आप ये वाला और कपड़े में धब्बे भी रखते हैं। एग्जैक्टली, ये देखिए टीका, टीका ये बहुत प्यारा भी होते हैं। अच्छा, क्राउन्स आजकल मॉडर्न ब्राइड है, यू नो, सो क्राउन्स। भाई इतने खूबसूरत, ये सारा आइडिया सामिया का है। हाँ। सीबो के प्लेटफॉर्म से मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी है मेरी। सेकंड टाइम, पहले भी आई हैं। थैंक यू सो मच सामिया, थैंक यू रियली सो मच। देखिए जरा शादी के भी इतने नेचुरल आपने बनाया, ऐसा लग रहा है रियल फूल का, पता ही नहीं चलेगा। और ये देखिए तो बेस्ट है, दूल्हा तो सबसे ज्यादा यही तप रहा होता है, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, गीले गीले फूल लगा दिए। ओके, हाँ ये बहुत ही खूबसूरत है, जबरदस्त। अच्छा, आप ये और एक मिनट ये भी दिखाऊं ना जरा, श्योर श्योर। हाँ, कितना प्यारा है ये, ठीक है ना, खूबसूरत। Wow. They are all washable. सब washable भी हैं। कैसे इसको wash कैसे कर सकते हैं? Normal surf से, simple water से भी साफ हो जाएगा। अच्छा, water से भी साफ हो जाएंगे। टीका भी है। बहुत ही प्यारा आपका मुनीबा काम है और इंशाल्लाह आपको देखिएगा कितने ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि यूनिक चीज है बिल्कुल आपका। जी, तो अब मैं, आप लोग अक्सर आगा नूर के कपड़े खरीदने जाते हैं अपने मुख्तलिफ इवेंट्स पर, माइयों में उनके क्या कलेक्शन है मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। आइए दिखाते हैं आगा नूर की कलेक्शन।
जी एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद क्या देखना है आपने, माइयों के बाद क्या होता है, मेहंदी। एक ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में मेहंदी सेटअप। वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं मेहंदी का ये ट्रक थीम है जो इस वक्त आपको दिखाया जा रहा है, और ये बहुत खूबसूरत सेटअप जो किया है जो इवेंट प्लानर हमारे साथ हैं वो सिदरा सफदर। कहाँ हैं सिदरा? अस्सलाम वालेकुम सिदरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। सिदरा कितने अरसे से काम कर रही हैं आप? मैंने स्टार्ट किया है अभी वन ईयर, एक साल, एक साल हुआ है जी जी। और कितने लोगों के इवेंट संभाल लेती हैं सिदरा? 100 to 150 अभी। अच्छा। स्मॉल बजट स्टार्ट किया है, और अभी मतलब अगर किसी ने छोटी उसकी मेहंदी रखी है तो आप उनको केटर कर सकती हैं, है ना? अगर 50 लोगों की है, 150, 100 की है, 200 के अंदर अंदर आप संभाल सकती हैं। होता है ना अक्सर लोग अपनी छत पे रख लेते हैं, अपने घर के आगे जो है वहाँ रख लेते हैं अक्सर लोग जो अगर छोटा सेटअप कर रहे होते हैं। होता है कभी कभार ऐसा होता है किसी के घर में मेहंदी नहीं होती है तो दुल्हा वाले कर लेते हैं अलग से, या दुल्हन वाले कर लेते हैं, है ना? वो आप संभालती है। तो सिदरा आपको अगर हायर करना हो इवेंट के लिए तो आपको कितने अरसे पहले कॉल करनी पड़ेगी कि 15 days, 15 दिन तो कम से कम, कम से कम, और जितना ज़्यादा हो सके ताकि जो है वो डिटेलिंग जो है उसमें थोड़ा टाइम लगता है और थीम को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जितना टाइम हो वैसे तो 15 days जो है वो मिनिमम ज़रूरी चाहिए। अच्छा, मेहंदी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेहंदी में खाना होता है, मज़े मज़े के डिज़र्ट्स होते हैं, पान होता है मेहंदी में, मेहंदी भी लग रही होती है एक्चुअली। और ऑब्वियसली अब नया ज़माना है तो अब मेहंदी में केक्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे, तो जो हमारी बेकर हैं वो है सुनहरा दानिश, है ना? सही बोला? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। सुनहरा ने जो केक बनाया है मैं चाहूँगी सबसे पहले तो वो दिखाया जाए। इतना ज़बरदस्त ढोल शेप का ये केक है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो सुनहरा आप सिर्फ एक्सपर्टी शादी शादी के उसमें है मतलब लाइक शादी के केक्स वगैरह बनाने में, या सारे हर, और कब कितने अरसे से कर रही हैं काम आप? 2 years। 2 साल प्रोफेशनली 2 years, वरना हॉबी तो मेरी 17 साल से पुरानी है। अच्छा, बचपन का शौक था, तो बचपन का शौक था और अब आपने आप पूरा किया जी। हाँ, अच्छा थोड़ा सा लाउड बोलें और प्लीज आईएफ भी बंद कर दें क्योंकि मेरे कान में उनकी आवाज़ आनी चाहिए आपकी नहीं जी। अच्छा, तो आप अगर मैं आपसे कहूँ बर्थडे केक वगैरह वो भी आप सारा डिज़ाइन कर लें, तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, आइडियाज़ कहाँ से लाती है कि ढोल ऐसा बनाना है, कोई बताता है या आप खुद? नहीं नहीं, कुछ सजेस्ट करती हैं खुद ही, और कुछ यूट्यूब वगैरह से और थोड़ा सा गूगल से। अच्छा अच्छा, देख के। और आपको ऑर्डर देने के लिए कितने अरसे पहले आपको बताएं? बड़ा ऑर्डर होता है तो कम से कम 1 week पहले, और वरना 2 days। अब जैसे ये ढोल है तो फिर ये वैसे तो अर्जेंट ऑर्डर 2 days पहले भी ले लेती हूँ, लेकिन 1 week पहले जैसे बोल लें तो अच्छा है, हमारे लिए इजी हो जाता है क्योंकि हाउस वाइफ हैं तो ज़्यादा घरेलू औरतों के लिए अच्छा है। जरूरी, बिल्कुल जी। यहाँ हो गई बेकर, अब मैं आपको लेके चल रही हूँ जी युसरा के पास, युसरा के दिन है जो केटर हैं जी। युसरा, ये तो मुझे कोई छोटी सी लग रही है अभी, जो आंखें मुझे नज़र आ रही हैं माशाल्लाह, मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है सीबू में कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो नहीं बाहर जाके लाइक इस तरह काम कर सकती हैं, घर में रहती हैं, पर्दा करती हैं, वो उनको भी काम करने का मौका मिल रहा है। वरना आप कहीं ऑफिस जाते हैं ना तो आपको इंटरव्यू वगैरह होता है तो फिर आपको काफ़ी जॉब की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यहाँ आप अपना काम कर सकते हैं अपने चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि मैंने ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है, है ना? थोड़ी सी मुझे जगह दो बेटे। हाँ, अच्छा जी, आपका नाम है युसरा जी, इसके लिए मैं, मेरा नाम युसरा है। हाँ। युसरा केटर के नाम से मेरा ब्रांड है और अच्छा। मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, और सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सीबो ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, और सीबो की एडमिन सेफ सामिया लारी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं घर से निकल के काम कर सकूं। बहुत जरूरी है भैया, एक प्लेटफॉर्म दिया जिसपे मैं आके अपना काम सबको दिखा सकूं कि इस घर में बैठ के भी अच्छी मजे की कुकिंग करती हैं, तारीफ करते हैं घर वाले सब। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने एक मेन्यू भी हमें दिया है
कि जैसे सैलड है साथ ये है दही की चटनी है ये क्या है चिकन टिक्का है चिकन टिक्का है बिरयानी बिरयानी घर की बिरयानी यम और बीफ गोला कबाब बीफ के पराठे हैं बघारे बैंगन भी रखे हैं भाई और अलग अलग चटनी है ये इमली की चटनी मेहंदी में बहुत चटपटा मूड होता है इंसान का ना उसने चटनियाँ जरूर खानी होती है और मीठे में सेवैयों का मुजाफर है अच्छा सेवैयों का मुजाफर ये डिफरेंट है ना मीठे के हिसाब से तो जबरदस्त भाई आपको ऑर्डर प्लेस करना है कितने कितने लोगों का ऑर्डर आप मिनिमम और मैक्सिमम बताएं ले सकते हैं मिनिमम तो क्या कहते हैं उसे 20 और क्या कहते हैं मैक्सिमम है 50 टू 70 तक के आराम से हम लोग कर लेते हैं अच्छा मिनिमम 20 और मैक्सिमम 50 टू 70 होता है ठीक है और आपको बताने के लिए कितने कितने मतलब लाइक ऑर्डर करना है एक्चुअली तो अगर वन वीक बिफोर बताएं तो ज्यादा बेहतर है एंड टाइम पे बताएं तो जरा सा हेक्टिक हो जाता है हाँ लेकिन फिर भी मैनेज तो कर सकते हैं आपका काम है ठीक है मैं आपको मेहंदी दिखाना चाहूंगी जो फरहाना कासिम लगा रही हैं आ जाओ बेटा जरा खड़े होकर दिखाना कितनी प्यारी इन्होंने मेहंदी लगाई है ये देखिए ये छुपे रुस्तम होते हैं जो घर में होते हैं और एकदम ये देखिए ये मेहंदी बड़ी डिफरेंट मेहंदी है और आप ये वाकई मेहंदी जब जिस दिन हो उसी वक्त लगवा सकते हैं जैसे अक्सर होता है ना फेस पेंटिंग या कुछ ऐसा होता है जब आपका क्योंकि बर्थडे होती है तो वहीं इंस्टॉल हो क्योंकि ये मेहंदी देन एंड देयर लगने वाली है देखिए उसी वक्त लगी उसी वक्त नग चिपकाए इसको धोना भी नहीं है ये कितना प्यारा इम्पैक्ट दे रही है तो आई गेस ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप अपनी मेहंदी पे एक स्टॉल लगाएं मेहंदी का और कहीं गाने हो रहे हैं कहीं मेडले हो रहा है कहीं मेहंदी लगी जा रही है हर कोई जो एंटरटेन हो रहा है जी अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप फरहाना फरहाना कब कितने अर्से से मेहंदी लगा रही अराउंड 8-9 ईयर्स हो गए आपको मेहंदी लगाते माशाल्लाह तो अब आपको अच्छा हैंड माइक आपको लेना पड़ेगा आई एम सो सॉरी जी अच्छा आप मुझे बताएं आपको कि यहाँ आपको कैसे मौका मिला सीबो पे आने का इट्स ऑल अबाउट सीबो और ये सबसे ज़्यादा जो है वो शेफ सामिया की मेहनत थी कि उन्होंने कहाँ देखी थी आपकी मेहंदी मैंने सिर्फ पोस्ट किया था सीबो पे हाँ। तो उन्होंने देखा एंड शी रियली लाइक दैट और अच्छा। फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझे अपने एक इवेंट में भी वो किया था बुलाया था लगवाई थी और उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों में जो है वो सपोर्ट मिला सीबो की वजह से स्पेशली और ये था कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे जो के देखते हैं सीबो को तो उससे बहुत ज़्यादा जो है ना बेनिफिट है कि अच्छे लोगों को क्या चार्ज करती हो तुम अगर मेहंदी का एक साइड में पूछूं पर साइड स्टार्टिंग इज 200 पर साइड जिसमें आप बहुत बेसिक मेहंदी लगवा सकते हो जैसे कि इनकी है पर साइड की हाँ। और जो ब्राइडल है दैट इज फॉर स्टार्टिंग 5000 जिसमें फोर साइड हैंड्स एंड फीट्स प्लस तो बहुत रीजनेबल है तुमने कहा कि फोर साइड मेहंदी जैसे तुम लगा रही हो ये कितना तुम चार्ज करोगी 200 पर साइड लाइक 200 पर साइड 800 रुपीज अच्छा अच्छा वेरी नाइस तो देखिए आप ईद पर आपको इतने सारे पेमेंट करनी होती है तो आप ईद पे भी लगाती हो मेहंदी मैं ईद पे अपने घर पर ही होती हूँ और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है फरहाना क्रिएशन से तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी आउट देयर डन 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 बहुत अच्छे डिजाइन है आपने देखे जी आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास यहाँ पे आप क्राफ्टर हैं हाँ ना अभी तो मुलाकात हुई थी पिछले सेगमेंट में शाहीन जमान है हमारे साथ दोबारा और मेहंदी के भी कुछ आइटम्स आपको दिखाना चाहती हैं मैं जरा उठा के प्रॉपरली दिखाऊँ ये देखिए ये वो कैंडल्स हैं जो चिपकी हुई हैं अक्सर क्या होता है जो आप दूसरी नॉर्मल कैंडल्स लगाते हैं तो आगे पीछे जो लोग होते हैं उनके बाल जल जाते हैं या ये बुझ जाती हैं अजीब जो है बार बार जलाना पड़ता है तो ये वाला बड़ा अच्छा आइडिया है कि इस पर चिपका भी दिए हैं साथ एक दिया रख दिया है बीच में ये वाली कैंडल लेकर ये देखिए कितना खूबसूरत वेलवेट का इन्होंने काम किया हुआ है और इसी तरह के और छोटे छोटे देखिए जैसे उन्होंने येलो बनाया था इस तरह ग्रीन भी तैयार किया है और अगर कुछ लोग मेहंदी पे निकाह कर रहे हैं तो ये उसके लिए इन्होंने अलग से ट्रे तैयार की है पेन तैयार किए हैं फुल भाई शशके हैं शशके वाला कबूल है कबूल है कबूल है अच्छा अब ये देखिए ज़रा ये तो ओ माई गॉड इसकी क्रिएटिविटी भाई बहुत बहुत मेहनत का काम है इन्होंने पूरी एक कार्ड बनाई हुई जिसपे आएंगे दुल्हा के लिए एक ट्रॉली लेकर दूध की जिसमें ये दूध पिलाई का की रस्म होती है ये कभी कभार लोग मेहंदी में भी कर लेते हैं कभी कभार लोग शादी में करते हैं ज़्यादातर शादी में करते हैं और ये कार्ड पूरी बनाई हुई है और इसके ऊपर ना डायमंड चिपके हुए हैं नज़र आ रहे हैं
बहुत प्यारा लग रहा है लोग. अच्छा अच्छा, और यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी भी इन्होंने बना के रखी, जैसे कि हमारी मॉडल्स ने सब ज्वेलरी इन्हीं की पहनी थी. गोटे की ज्वेलरी है और झुमके हैं गोटे के, ये देख सकते हैं आप. मेहंदी पे अक्सर लोग गोटे की झुमके और ज्वेलरी पहन रहे होते हैं. हाँ ओके, ये और भाई बहुत ज़रूरत होती है. एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खाना तो हो गया, लेकिन साथ गोला गंडा कुल्फी इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है. तो आप लोग किस तरफ से हैं, किधर से हैं? मैं कार्ड उधर भूल गई. जी हम लोग लाजवाब कुल्फी की तरफ से. लाजवाब कुल्फी जी, ज़बरदस्त भाई. लाजवाब कुल्फी में ज़रा वैरायटी हम देखें क्या क्या है, बताएं प्लीज. इसमें हमारे एक प्लान है, क्रंच है, बादामी है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, अच्छा चॉकलेट है. ये मुख्तलिफ फ्लेवर की हमारी कुल्फी, सारी वैरायटी आप लोगों के पास. इसके अलावा देख भी सकते हैं आप लोग, रखी हुई है. इसके अलावा हमने ये कुल्फी आइसक्रीम भी बनाई हुई है. अच्छा कुल्फी आइसक्रीम कराची में आपको जहाँ भी मिलेगी वो आइसक्रीम मिलेगी, कुल्फी आइसक्रीम नहीं होगी, ये कुल्फी आइसक्रीम है. अच्छा, यानी कि न्यू फ्लेवर. आपकी स्पेशलाइजेशन जो है कुल्फी में. जी जी जी. इसके लिए हमने मटके भी बनाए हुए हमारे. अरे मटके, ये किस लिए? ये भी कुल्फी है. ये देखिए कितनी अच्छी मटका कुल्फी है, अलग अलग तरीके की. ये भी हमारी कुल्फी. वाओ, ये देखिए जरा कैमरे में. ओके, तो आप देखिए आपके पास डिफरेंट आइडियाज हैं कि कुल्फी की टेबल इस तरह भी हो सकती है कि उसके साथ अलग से लवाजमात रखे हुए उसके ऊपर डालने के लिए. आप कुल्फी लेकर उसके खुद भी बना सकते हैं. ये भी एक स्टॉल हो सकता है कि आपने प्लेट ली, अपनी कुल्फी ली, जो भी आपकी पसंद की कुल्फी है, और उसको खुद आप बनवा सकते हैं अपनी पसंद से कि मुझे ये डाल दें, ये डाल दें. ये एक बहुत अच्छा आइडिया. हम लोग आए हैं तो हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं सीबो का. जी सीबो के थ्रू आए हैं आप जी. और आप अंडर वन रूफ इस ग्रुप से आप बहुत सारे और आइडियाज़ ले सकते हैं. साथ साथ आपको वो लोग मिल सकते हैं जो आपके छोटे इवेंट को भी बड़ा इवेंट बना देंगे अपनी क्रिएटिविटी से. साथ में अगर मेहंदी में पान ना हो तो मज़ा नहीं आता. ये पान तो चलता रहता है, पनवाड़ी का पान है. यहाँ कोई खास आप लोगों की शादी ब्याह के लिए मेहंदी के लिए कोई खास पान है बने हुए? ये ट्रे तैयार की जाती है. ये ट्रे तैयार की जाती है, सादा खुशबू मीठा. क्योंकि वो जो ना वो एक पुराना रिवाज था कि आप जाते हुए एक टेबल पे खुले पान पड़े हुए हैं, उसे मक्खियाँ भी आ रही हैं ये भी. लेकिन ये साफ सुथरा, ये देखें बिल्कुल साफ सुथरा का गया पान का है. पान इसके अंदर होते हैं, ये पैकेट में पान होते हैं. इस तरह की ट्रे होती है बंद, और इस तरह के भी होते हैं. मेहंदी में ज़्यादा फ्लेवर्स कौन से चलते हैं? मीठा और सादा खुशबू. और दुल्हन दुल्हा के लिए कोई खास पान होता होगा? गोल्ड पान. अरे बाप रे, ये देखिए जरा, वेरी नाइस. जी तो जनाब ये था पूरा सेटअप, जो आप एक छोटा सेटअप भी अपने घर में कर सकते हैं और इवेंट प्लानर्स को हायर कर सकते हैं सीबो के थ्रू. अब मैं आपको दिखाऊंगी आगा नूर की मेहंदी कलेक्शन. आइए चल के देखते हैं. Yeah.
ये हमारे साथ माइयों में थी मुनीबा मुनीबाज ग्रैंड वार्डरोब यू कैन फॉलो मी मुनीबाज ग्रैंड वार्डरोब ग्रैंड वार्डरोब और प्लीज ये सेट दिखाएंगी मेहंदी का खूबसूरत सेट है ये मैं दिखाना भूल गई कस्टमाइज होता है इसमें आपको जो कलर चाहिए मेहनत से बनावा होता है ये और ये दुल्हन के लिए बहुत जबरदस्त लगेगा कि अगर आप दुल्हन को ये मेहंदी पे ये और ये रस्म के लिए और साजेस होते हैं अच्छा ये रस्म के लिए होते हैं हाँ बिल्कुल हाँ हैंड माइक है किसी के पास आप हाँ ये ओह वाह बुंदे कितने प्यारे हैं बुंदे कितने खूबसूरत आजकल फ्लावर्स का ट्रेंड है हाँ और वो भी ये वाले झड़ेंगे नहीं ना तो ये बिल्कुल नहीं झड़ेंगे सालों साल चलते हैं हाँ और ये कस्टमाइज ये सारे अगर अगर थीम येलो से हटकर पिंक है आजकल पिंक ग्रीन अच्छा इसमें जा रही है और ऐसे तो रेड्स भी हैं ये देखें ये निका वगैरह पे काम आ सकते हैं ये वॉशेबल है हाँ और ये खराब नहीं होते बिल्कुल भी और यहाँ पे भी बहुत कलरफुल से हैं इसके लिए है जो ब्राइड्स मेड होती हैं हाँ या रसम के साथ दिए जाते हैं देखिए कितने खूबसूरत कलर्स वाओ वेरी नाइस साथ बुंदे भी हैं तो एक ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद अब भाई क्या करना चाहिए अब शादी और वलीमा वगैरह तो आप लोग बहुत देखते हैं एक सेटअप शादी वली में का सेटअप तो थोड़ा बड़ा ही होता है वो हमारे स्टूडियो में नहीं हो सकता तो हम एनिवर्सरी के सेटअप पे चलेंगे एक ब्रेक के बाद जो लोग अपनी एनिवर्सरीज घर पर एक सर्टन पैमाने पे एक सर्टन लिमिटेशन के अंदर सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर अगर वो फर्स्ट एनिवर्सरी हो तो आइए देती हूँ आपको आइडिया एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आप देख रहे हैं हमारा आज का शो जिसमें सुबह सुबह आपको फेस्टिविटी देखने को मिल रही है और आज अभी इस सेगमेंट में आपको रोमांटिक एक थीम नज़र आ रहा है जो एनिवर्सरी का थीम है पहली एनिवर्सरी हो तो ये रेड और ये ब्लैक ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है ये आप अपने घर आए हुए नए कपल के लिए भी कर सकते हैं यानी कि देवर और जेठ या नंद मिलकर अपने भाई के लिए भी कर सकती है ये बहने या मैके वाले भी कर सकते हैं अपने दामाद के लिए और ये हस्बैंड भी कर सकते हैं अपने वाइफ के लिए या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए तो ये छोटा सा सेटअप ये प्यारा सा सेटअप आपके घर में भी हो सकता है और इस खूबसूरत इवेंट को प्लान किया है जी फायजा एंड इजवा ने इवेंट प्लानर आगे आओ दोनों मिलके काम करती हो क्या yes, दोस्तें हो कि बहने हो sisters, अरे यार ये तो आसान ही है घर में ही ना वैसे बैठे बैठे बातें करते हैं यार ये करते हैं ये थीम रखते हैं है ना हाँ। कितने अरसे से कर रही हो दोनों हम लोग को 8 to 9 months बड़ी बहन कौन है छोटी बहन मैं बड़ी तो रोब झाड़ती है तुम्हारे ऊपर है ना नहीं ऐसे नहीं होगा बलून ऐसे लगेंगे नहीं ऐसे नहीं होगा फूल ऐसे लगेंगे है ना आइडिया अच्छा मेरे बाल कहाँ से खराब हुए ये सही है ओके ये बड़ा मसला है इतनी सारी भागदौड़ हो रही है ना शो पे सब मैं ही तो कर रही हूँ अच्छा तो आइडियाज ज्यादा किसके दिमाग में आते हैं हम दोनों के दिमागों में आते हैं आइडियाज की कमी नहीं है बस लड़ाई होती है तो फिर क्या अगर किसी इवेंट के दिन लड़ाई हो जाए तो क्या होगा होती है बहस में बहस ये घर वालों के साथ यही तो बड़ा मसला हाँ, होता है और लोग सुन रहे होते हैं और हम लोग अच्छा तो जी ये इवेंट प्लानर्स हैं फायजा एंड इजवा दोनों में से फायजा कौन इजवा मैं फायजा हूँ ये फायजा है आप इजवा हैं और ये दोनों एक यंग एक यूथ आपको अपने काम में नजर आएगी क्योंकि यंग बच्चियां हैं दोनों हमारे साथ और मुख्तलिफ लोग हैं बेकर्स की तरफ चलते हैं तो फरजाना वामिक हमारे साथ हैं पहले भी आ चुकी हैं पहले भी कर चुकी हैं हमारे साथ काम और इनका काम देखें बोलता है बहुत बहुत डिफिकल्ट केक है जो इन्होंने तैयार किया कैसी है फरजाना बताएं जरा अपने केक के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा नाम फरजाना वामिक है और मेरा ब्रांड का नाम है लुक एंड कुक और सबसे पहले तो मैं सीबो का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और ख़ास तौर पर समिया का क्योंकि मैं काम तो कर रही हूँ बहुत अरसे से लेकिन मुझे इतना बूस्ट नहीं मिला था जितना मुझे सीबो पे आके मिला है वाओ तो जरा कपकेक से दिखाए ना एक एक को कवर करके हमने रखे ये बड़ा अच्छा आइडिया कि कवर किया हुआ है अब ये सेटअप इतने देर तक रखा होता है और तस्वीरें खींच रही होती हैं आती हैं और मतलब ये जरा थोड़ा सा ये देखिए ये अब एनिवर्सरी है तो ये इस तरह का कितना क्यूट दिखाते हैं ना क्योंकि वहाँ तक कैमरा नहीं जहाँ तक कैमरे की आँख नहीं पहुँचती हमारी आँख पहुँच जाती हाँ ये 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 आप पकड़ती रहे मैं दिखाती रहती हूँ रखती रहे तो ये देखिए कितनी खूबसूरत और कपकेक है तो एनिवर्सरी है तो दिल तो होना मस्त वो हस्बैंड थे और ये वाइफ हैं आहा ये
ये देखिए वाइफ नेकलेस भी है. ओके अच्छा ये केक पॉप्स है, ये कैप्सूल्स हैं, ये भी दिखाऊं आपको. हाँ इनको ये केक पॉप्स का दौर चला गया, अब इनका दौर आ गया. इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल. हाँ कैप्सिकल. कैप्सिकल्स. अच्छा तो इसके अंदर क्या होता है, कैसे होती हैं ये? केक ही है बेसिकली. खा के देखो. मजाक कर रही हूँ. अच्छा केक है, उसको चॉकलेट में कोट किया हुआ. ओके बिल्कुल चॉकबार टाइप की लग रही है, लेकिन बहुत डिफरेंट चीजें हैं. और उसके अलावा वो क्या चीज है? हाँ टावर है. मोरंग. हाँ मोरंग टावर है. वो मोरंग टावर है. ये जरा दिखाइए ये पिंक सा रेड सा. ये कैसे खाएंगे? ये इसको से निकालें. मैं तो डाइट पर हूँ भाई. मैं भी डाइट. आप भी डाइट पर हैं? ये ओके हम इनको खिलाते हैं और ये इसको ये निकाल के दिखा देते. अच्छा ये ऐसे निकलेगा और ये ऐसे खा सकते हैं. ठीक है मैं इसलिए नहीं खा रही कि मैं वाकई डाइट पे हूँ. जो मेरी कलेक्शन आने वाली है ना NYC, जब वो उसके कपड़े पहनूंगी इंशाल्लाह आने वाली है कुछ दिनों में, बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए, जब मैं NYC पहनूंगी ज़रा मुझे पतला लगना है इसलिए मैं ज़रा डाइट पे चली गई हूँ. वैसे तो वो हर साइज़ के लिए हैं और हर कोई उसे इंजॉय कर सकता है क्योंकि वो आपकी जेब पे भारी भी नहीं होंगे. मेरे जो इंस्टा का जो पेज है वो है @nyc.pk और फेसबुक का पेज NYC है. तो शायद मंडे शायद ट्यूसडे पता नहीं. देखिए भाई सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए कि मैं आपको नज़र आऊँगी अपनी ही बनाई हुई कलेक्शन में. बहुत मोहब्बत और प्यार से आपके लिए बनाई हुई है. तो कमिंग सून. मैंने अपनी भी ब्रांडिंग कर दी आपके साथ. हाँ तो हमारी जो ब्रांडिंग है हम उनको नहीं यहाँ बुलाएं. हाँ समिया को यहाँ बुलाएं. हम समिया इतनी हिचकियाँ आई हैं उसको पूरे शो में. हम बुलाते हैं समिया को फ्रॉम CEBO. कैसी हो? मैं ठीक हूँ. ठीक ठाक है. लास्ट सेगमेंट लास्ट मुझे पहले नहीं कोई बात नहीं. हम आपको आपके साथ चलते हैं अपनी और दूसरी चीज़ें दिखाते हैं लोगों को, फिर हम इनसे बात करेंगे. लेकिन आपका होना ज़रूरी है. मैं समय के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ. जी कहिए. आई वॉन्ट टू थैंक सर कि हमें ऐसा CEBO जैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर जो है यंग एंटरप्रेन्योर बिल्कुल अपनी वर्किंग जो है मतलब लोगों के सामने लेकर आ सकते. हाँ. और बहुत ही मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी मैनेजिंग स्किल्स के साथ ही सब कुछ मैनेज करती है. और जिस तरह से ये आज कर रही थी ना इट्स फैबुलस. वाओ बनती है. अच्छा जी अब मेरे पास जो क्राफ्टर हैं वो है फरखंदा समी और यहाँ बड़े ही सलीके से बड़ी तमीज से गिफ्ट पैक हुआ है जो कि कभी मियाँ जो है ना कभी नहीं देते अच्छे से पैक करके. मगर अगर आप खुद नहीं पैक कर सकते तो भाई फरखंदा है ना करवा लें इनसे अपना इवेंट प्लान और पैक करवा लें ताकि बीवी खुश हो. सुनिए आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की, कह दीजिएगा झूठ झूठ हाँ मैंने पैक किया है. ये देखिए जी अगेन देखिए मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यही मौका मिला. समिया का थैंक यू बहुत करना चाहूंगी मैं. हाँ. कि उन्होंने मुझे एक और थीम में एक अपॉर्चुनिटी दी. हाँ. कि मैं अपना वर्क प्रेजेंट कर सकूं. थैंक यू सो मच समिया एंड CEBO. थैंक यू. ये देखिए कितना अच्छा आइडिया. आप चॉकलेट जैसे ही उठा के दे देते हैं, जब चॉकलेट को आए तो पैक करें प्रॉपरली और ज्यादा चॉकलेट देने की जरूरत नहीं है, मोटी हो जाएंगी आपकी बीवी. तो इसलिए कम चॉकलेट दें लेकिन उसको जब ऐसे प्रेजेंट करेंगी तो वो यकीन मानेंगी, सजा के रखेंगी, खाएंगी नहीं. मैं सच बता रही हूँ. ये एक्सप्लोजन बॉक्स है, इसकी भी लेयर्स होती हैं, चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स हर जगह होती है. ये इसकी लेयर्स है. ओह माय गॉड. ओपन होता रहता है. मोहब्बत चाहे तो छोटा सा कोई गिफ्ट रख सकते हैं, चॉकलेट्स लगा सकते हैं. वेरी नाइस. रिंग रख दे. रिंग रख सकते हैं. रिंग रख दे वो डायमंड की. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. और ये भी इसी तरह की चीज है. ये इन्फिनिटी बॉक्स है. ये अच्छा इसमें तस्वीरें. जी ये फुल ओपन होता रहे. इसमें तस्वीरें ऐसे. जी तस्वीरें. अच्छी चीज है. पूरा एंड तक खुल जाएगा. ओ वाओ वाओ. सारी यादें इसमें मेमोरीज जो है सारी आप कवर कर सकते हैं. और ये तो कोई घर में बैठ के नहीं बना सकता, ये इन्हीं के पास से आपको बनवाना पड़ेगा. ये देखिए हमारा पेज का नेम है क्राफ्ट्स विला. क्राफ्ट्स विला. अच्छा वेरी नाइस वेरी नाइस. माशाल्लाह. अब इसको बंद कैसे करें? ये भी एक आर्ट है ना भाई. ये तो ये डब्बा होगा और इस डब्बे में आपकी यादें होंगी जो आपने सजा के रखनी है, खासतौर पे अपनी आगे की पीढ़ियों को दिखाने के लिए. ये देखो नानी और दादी दिखा रही हैं, देखो हम भी जवान थे. ये सेफ रहेगी ना एक बॉक्स की सूरत में.
तो जी कार्ड्स कस्टमाइज करते हैं, फिर ये चॉकलेट्स भी होती हैं, उसमें भी कस्टमाइजेशन होती है, बाकी हम ये सप्लाईज ये भी प्रोवाइड करते हैं. मेहनत का काम है भाई बड़ा. और ये जो एनिवर्सरी पे लोग आए हुए हैं उनके लिए, शायद किसी मोहब्बत वाले कपल को देख के दूसरे लोगों में मोहब्बत जाग जाए ना, एक साथ कपल्स पिक्चर खिंचवा रहे हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके जी, अब केटर की तरफ आ गई मैं, तो हमारे साथ बीनू अदनान है. दोनों में से कौन है ये? बीनू अदनान. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. हमें जरा आइडियाज देने हैं लोगों को, हम एनिवर्सरी पे मिनी बर्गर रख सकते हैं. क्रिस्पी, ये क्या है? क्रिस्पी चाउमीन है. अच्छा, क्रिस्पी चाउमीन. नॉर्मल चाउमीन तो बनते ही रहते हैं, ये क्रिस्पी चाउमीन में ये जरा डिफरेंट है. डिफरेंट है. और क्या है? साथ में ये मिनी चिकन स्टिक्स हैं. ये खाउसा है. और ये कटकट है. देखें बेचारी बीवी हर रोज खाना पकाती है, कम से कम जिस दिन उसकी शादी की सालगिरह है या उसकी सालगिरह है तो उस वक्त तो उसको ट्रीट मिलनी चाहिए ना. और अगर आपको आपको बाहर जाके खाना नहीं खाना, रेस्टोरेंट में नहीं खाना, तो ये है ना हमारे पास, ये केटर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं. फरखंदा आपको आपके घर पे खाना पहुंचा के देगी. बिल्कुल, हम लोग करते हैं इस तरह से. मेरा पेज का नाम है यमी फॉर योर टमी. और इस तरह के बड़े ऑर्डर्स जो होते हैं वो कम से कम भी 2 डेज पहले के हमारे होते हैं, प्री बुकिंग्स होती हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं केटरिंग इस तरह के. अल्लाह का शुक्र है. और थैंक्स टू सामिया जो फिर से मुझे यहाँ लेकर आई है. और सीबो के प्लेटफॉर्म से हमें हमेशा जो है वो अप्रिसिएशन मिली है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, साथ मैं देख रही हूँ फोटोग्राफी भी आप कर रही हैं. आपका नाम क्या है? फलक उस्मान. फलक, फलक. आप बहुत सारे ऐसे घराने होते हैं जो नहीं प्रेफर करते कि मर्द आए और वो फोटोग्राफी कर रहे हो. हम ढूंढ रहे होते हैं यार, कभी कोई पर्दा करने वाले लोग हैं, सेग्रीगेशन है तो औरत नहीं मिल रही होती हमें कि कोई फोटोग्राफी करे. फलक हमारे पास यहाँ मौजूद है और फलक भी इसी प्लेटफॉर्म से हैं, वो फोटोग्राफी करती हैं छोटे बड़े सारे इवेंट्स की. हाँ, मेरे पेज का नाम है फलक उस्मान प्रोडक्शंस. फलक उस्मान प्रोडक्शंस. अच्छा, और थैंक्स टू समिया अगेन. मैन के साथ ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हमें साथ काम करते हुए. और मैन के पेज की ऑफिशियल फोटोग्राफर भी हूं. मुझे इतना अच्छा लग रहा है, सारी औरतें, सारी खवातीन, लड़कियां हमारे शो से उनको हम मौका दे रहे हैं कि वो और काम कर सकें. और इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन्हें एक मौका दें अपने घर पर. हम इन्होंने यहाँ पर काम करके दिखाया, आपके घर पर और ज़्यादा टाइम मिलेगा, ये और अच्छा काम करेंगे. और मैं अगले ब्रेक में आपको कपड़े दिखाने वाली हूँ. हमारे पास फातिमा खान है डिज़ाइनर. नेक्स्ट ब्रेक पे आकर मैं आपके कपड़े दिखाऊँ, आपको कपड़े दिखाऊंगी और हम सामिया से भी बहुत सारे गप्पे मारेंगे. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अब हम लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट जिसमें आपको मिलेगी महीने भर की बेफिक्री. वो क्या है, वो क्यों मिलने वाली है, आइए पहले मैं आपको एक कमर्शियल दिखाती हूँ और उसके बाद ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि इस कमर्शियल के बारे में मैं आपको आपसे कोई सवाल करूँगी जिस पर मैं आपको कुछ यूफोन सुपर कार्ड की तरफ से कोई बेफिक्री देने वाली हूँ. यूफोन सुपर कार्ड प्लस का नया एड एक साथ मिलकर देखते हैं जी. और अब सवाल करने के बाद मैं देने वाली हूँ यूफोन सुपर कार्ड प्लस की तरफ से साल भर की बेफिक्री, लेकिन सिर्फ किसी एक को मिलेगी. ओके, तो मेरा सवाल है, यूफोन सुपर कार्ड प्लस में अनलिमिटेड क्या है? यूफोन सुपर कार्ड प्लस में अनलिमिटेड क्या है? माइक किधर है आपका? माइक फेसबुक. ये जबरदस्त, आइए आइए, वेरी गुड जी. तो आपको मिल रही है यूफोन सुपर कार्ड प्लस की तरफ से साल भर की बेफिक्री. बहुत मुबारक, थैंक यू. तो जनाब, आपको बताना चाहूंगी, यूफोन सुपर कार्ड प्लस देता है आपको महीने भर की बेफिक्री, मतलब कॉल्स, इंटरनेट, एसएमएस की बेफिक्री और अब फेसबुक भी अनलिमिटेड. तो और क्या मांगते हैं? सिर्फ एक यूफोन सुपर कार्ड प्लस लोड करें और पूरा महीना बेफिक्र हो जाएं जी. तो आप देख रहे हैं, आज सीबो की तरफ से हमारे पास इतने सारे इवेंट प्लानर्स थे और सामिया हमारे साथ यहाँ मौजूद है.
सामिया बहुत तुम अच्छा काम कर रही हो, खवातीन जो घर में बैठी हैं उनको भी तुम मौका दे रही हो कि वो कमा सके। बहुत शुक्रिया और थैंक यू आपका निदा, थैंक यू जीएमपी आपकी पूरी टीम, थैंक यू ARY जो हमेशा हमें प्रमोट करते हैं, यहाँ तक लाने का मौका देते हैं और हम लोग हर दफा एक नए टैलेंट को लेकर आते हैं ताकि हमारा जो खवातीन अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने बच्चों को लग्जरी लाइफ देने के लिए, अच्छी जगह पढ़ाने के लिए, बिल्कुल अच्छी लाइफ स्टाइल देने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनको अच्छे तरबियत देने के लिए जो खवातीन काम कर रही है, जो अपने टैलेंट को खत्म नहीं कर रही है, वो इनडायरेक्टली अपने घर से बैठ के काम कर रही है। मेरे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स थी, शाहीन समान थी वो बेसिकली डेफ है और उनको सुनाई नहीं देता, लेकिन वो अपने घर से काम करी, उन्होंने अपनी ये चीज को मायूब नहीं बनाया, कमजोरी नहीं बनाने दी। इसी जगह पे यहाँ पे आपने कुल्फी जो हमारी यहाँ थे, जो मेहंदी में हमने कुल्फी का सेटअप रखा था, वो ऑफिशियली बाहर दुकान पे काम कर रहे हैं, उन्हीं की बीवी घर से बैठ के उन्हीं का बिजनेस ऑनलाइन देख रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक ही साथ अच्छा सीबो पे क्या खवातीन को इजाजत है? नहीं, खवातीन भी है, मर्द भी है, लेकिन उन मर्दों को इजाजत है जो अपनी खवातीन के साथ काम कर रहे हैं। ओके, ये बहुत अच्छा है, मतलब मियां बीवी मिलकर जो काम कर रहे हैं उनको इजाजत। अब वो ऐसे बहुत सारे बहुत पकवान सेंटर है, बहुत बड़े बड़े पकवान वाले हैं जो खाना बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के लिए करते हैं, उनको डील खवातीन हमारे पेज से करती है, काम ऑब्वियसली उनकी मियां को ही मिल रहा है, लेकिन दो जरिए हाँ। और बहुत सारे लोग कंफर्टेबल भी होते हैं ना खवातीन से करने में बातचीत, तो वो भी बहुत और अच्छी है। हमारे पेज को, हमारा जो फेसबुक पे पेज है सीबो CEBO केटर इवेंट प्लानर बेकर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें फोटोग्राफर्स भी हैं, उसमें कोई भी एक इवेंट जिसमें जितनी चीजें होती हैं सब आपको अंडर वन रूफ मिलेंगे, सारे वेंडर्स हैं, आप बस वहाँ पे जाइए, सर्च लिखें अपनी, आप जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपकी डिमांड है आप उसको लिखें और वहाँ पे आपको लोग कॉन्टेक्ट करते हैं बहुत मिनिमम रेट्स पे। अगर बाहर जो है वो आपको 50,000 का काम मिल रहा है तो वहाँ पे आपको 25-30,000 का मिलेगा, आपका इवेंट अच्छा हो जाएगा। तो जी अब हम आपको जो लास्ट डिजाइनर है हमारे पास यहाँ के एनिवर्सरी पे आप कैसे कैसे कपड़े पहन सकते हैं वो आइडियाज देने के लिए आ रही हैं फातिमा खान अपने कपड़ों के साथ और अपनी मॉडल्स के साथ। फातिमा खान से कैसे हैं आप फातिमा? वेलकम टू द शो, आपके बहुत
बहुत अच्छे कपड़े हैं माशाल्लाह, ये जो आप देख रहे हैं ये वेलवेट का, आजकल सर्दियां हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, और बड़े अच्छे हैं कि एनिवर्सरी पे ना चमक दमक पहनी हुई होती है सब ने, ये बड़े डिसेंट बड़े एलिगेंट कपड़े हैं कि आप कैरी कर सकते हैं खास तौर पे एनिवर्सरी पे किसी पार्टी पे, ये बहुत अच्छे लाइट फॉर्मल वेयर है ना जी जी। आई थिंक मुझे लगता है कि शादी पे हम इतना ओवरडू हो जाते हैं कि एनिवर्सरी शुड बी सबड्यूड। बिल्कुल बिल्कुल, मिनिमल मेकअप और मिनिमल ज्वेलरी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ प्राइस बता सकती हैं आप, जैसे इसकी क्या प्राइस है? जो ये दिस वुड स्टार्ट फ्रॉम 28,000। अच्छा, थ्री पीस है, ठीक है, फोर पीस सॉरी विद द दुपट्टा, दुपट्टा, और ये वाला है दिस इज फॉर 15,000, दिस इज द ब्लैक वन, द ब्लैक वन इट्स फॉर 15,000, ठीक है, और जो ब्लू है दिस इज फॉर, हम सेपरेट्स भी भेजते हैं। अच्छा, अगर टॉप होगा तो 9,500, हाँ, पैंट्स होगा तो वी इंक्लूड प्राइसेस 3,000 या 4,000 जो है, ठीक है, और ये यहाँ पे जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला है दिस फॉर 12,000, टू पीस, अच्छा, वेरी नाइस, और ये वेलवेट है, इसमें अभी आई थिंक दुपट्टा इज मिसिंग, if you add the dupatta that will be around 28,000, okay, yeah. ठीक है, तो फातिमा को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या आपकी रेडी टू वेयर होते हैं? आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, रेडी टू वेयर भी होते हैं, वी कीप ऑन मेकिंग। अच्छा, ठीक है, और आप अपने लाइक ऑनलाइन करती हैं? मेरा पेज वो है, ठीक है, तिमास के नाम से, किससे? तिमास, टी आई डब्ल्यू एम ए अपोस्ट्रोफी एस। अच्छा, तिमास के नाम से, दिस इज माय ब्रांड नेम, इज तिमास। थैंक यू सो मच आप लोगों का, फातिमा थैंक यू सो मच, सामिया और वो सारे मेहनतकश लोग, जो मेहनतकश औरतें जो मैंने आज आपको शो पे दिखाई, उनका काम आपने देखा है, ये सिर्फ उनके काम का प्रोमो है, टीजर है, लेकिन जब वो आपके पास आके काम करेंगे तो आपका जो आपकी जो पसंद है उसको मद्देनजर रखते हुए, हाँ, आपके बजट को मद्देनजर रखते हुए वो आपके छोटे इवेंट को बहुत ग्रैंड बना देंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल एक जबरदस्त प्रोग्राम के साथ, और बस 3-4 दिन बाद कांग्रेचुलेशंस, मुझे पता नहीं चला, NYC में, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।